वर्ल्ड कप 2023 को लेकर बड़ा अपडेट। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच है कांटे की टक्कर। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन के लिए आज चाहिए 287 रन से बड़ी जीत। वनडे वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच कोलकाता में जो है मैच खेला जाएगा। ये मैच जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है। वही पाकिस्तान अभी तो है इस वर्ल्ड कप में 8 मैचों में 4 जीत और 4 हार के बाद जो है 8 पॉइंट लेकर टीम अभी 5वें स्थान पर है। इंग्लैंड 8 मैचों में 2 जीत और 6 हार के बाद जो ये टीम जो है 7वें नंबर पर है। वही आज का मैच जीतकर जो इंग्लिश टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसमें क्वालिफाई कर जाएगी। वही पाकिस्तान के लिए जो सेमीफाइनल में अगर आपसे जाना है तो 287 रन से जीत हासिल करनी होगी। यानी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पहले बैटिंग यहाँ पर अगर करती है तो उसे 287 रन यहाँ पर 287 रन से जीत हासिल करनी होगी। अगर पाकिस्तान चेज अगर पाकिस्तान करना होगा तो उसे टारगेट जो है 278 से 284 गेंद बाकी रहते चेज करना होगा। यानी टारगेट के अनुसार उसे 16 से 22 गेंदों के अंदर मुकाबला जो है वो जीतना होगा। वही आज के मैच की दोनों टीमों की यहाँ पर हेड टू हेड की अगर बात करें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच अब तक वर्ल्ड कप के अंदर जो है टोटल पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 10 मैच खेले गए जिसमें इंग्लैंड 4 और पाकिस्तान 5 जीता है। एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। वही पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं मोहम्मद रिजवान ने, जिन्होंने 359 रन बनाए हैं। वही बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के गेंदबाजों में टॉपर की तो यहाँ पर मोहम्मद यहाँ पर साइंस आफरीदी जो है टॉपर रहे जिन्होंने 8 मैचों में 16 विकेट लिए हैं। वही इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो है डेविड मलान टॉपर जो टॉप प्लेयर्स है वो रहे हैं। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 8 मैचों में 373 रन बनाए हैं। वही आदिल रशीद के टॉप गेंदबाज रहे जिन्होंने 13 विकेट झटके हैं 8 मैचों में। वही पिच की बात करें तो कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम का विकेट हमेशा बल्लेबाजों के लिए मददगार रहा इस वर्ल्ड कप में। यहाँ अब तक 3 मैच खेले गए हैं, यहाँ कुल 34 मैच खेले गए हैं। अब तक पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 20 और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 13 मैच जीते हैं। वही इस मैदान पर हाई स्कोर की बात करें तो ये हाई स्कोर यहाँ पर 404 रन का है जो कि भारत ने 2014 के अंदर जो है श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। सबसे छोटे स्कोर की बात करें तो 83 रन है जो कि साउथ अफ्रीका ने इसी वर्ल्ड कप में जो है भारत के खिलाफ जो है वो बनाया था। यानी यहाँ पर सबसे छोटा टारगेट जो है यहाँ पर 83 रन का है जो कि साउथ अफ्रीका ने इसी वर्ल्ड कप में यहाँ पर भारत के खिलाफ बनाया था।